सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज के वीडियो में हम मोबाइल से अचल संपत्ति की जानकारी को अपलोड करना सीखेंगे। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथियों, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि सभी अधिकारी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं कि अपने मोबाइल से अचल संपत्ति की जानकारी को कैसे अपलोड किया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले गूगल इंजन पर हम सर्च करेंगे एमपी एजुकेशन पोर्टल। तो यहाँ पर सर्च करेंगे, इसके बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस होगा जिस पर लिखा होगा लॉगिन। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। साथियों, यहाँ पर हमारे सामने एक नया इंटरफेस होगा जो कि एजुकेशन पोर्टल का पेज होगा। तो इसे हमें ऊपर कर देना है, जहाँ पर हमें पोर्टल लॉगिन, यहाँ पर आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको यूज़र आईडी और यहाँ पर पासवर्ड लिख देना है। देन एक कैप्चा लिखा हुआ है जिसे आपको इस विंडो में अपलोड करना है। यदि ये कैपिटल है तो आपको कैपिटल ही लिखना है और स्मॉल है तो स्मॉल लेटर लिखना है। तो इस तरह से आप यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेंगे। यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप अपने एजुकेशन पोर्टल का जो आपका अकाउंट है उसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर सबसे नीचे आपको यहां पर ऑनलाइन सुविधाओं वाला कॉलम दिखाई देगा। आपको इस पर देखना है, इसमें आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेतन, ई पुस्तिका, जन्मदिन शुभकामनाएं और ब्लड ग्रुप। तो आपको इसमें से ई पुस्तिकाओं वाला जो कॉलम है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस होगा जो कि इस प्रकार से होगा, जिस पर यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर की पट्टी दिखाई देगी। यहाँ पर अपडेट, ई सर्विस बुक, अपलोड फाइल्स, ई सर्विस बुक, रिपोर्ट आदि लिखा रहेगा, जिसमें आपको अपलोड फाइल्स पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड फाइल्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस होगा जिस पर 10 पॉइंट होंगे, जिसमें 10वें नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर इसमें लिखा गया है कि अपलोड योर एनुअल प्रॉपर्टी। आपको इस 10वें पॉइंट को क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने अचल संपत्ति के विवरण का फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं कि हमें जो पीडीएफ, हमें अचल संपत्ति का जो फॉर्मेट है उसको पीडीएफ फॉर्मेट में ही अपलोड करना है, और जो फॉर्मेट को हम स्कैन कर रहे हैं वह 200 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए, और उसे ब्लैक एंड व्हाइट में ही हमें अपलोड करना है, उसे कलरफुल में हमें अपलोड नहीं करना है। एक इंटरफेस दिया है जिसमें यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस लिस्ट में आपको 19, 18, 17, 18, 16, 17, 15, 16, 15, 13, 14, 12, 13, 11, 12 इत्यादि के फॉर्मेट हमको हम इसके द्वारा अपलोड कर सकते हैं। जिस भी वर्ष को आप चुनेंगे उस वर्ष का हमको अचल संपत्ति का फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। देन अब यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन ओपन है जहाँ लिखा है चूज फाइल। आप जैसे ही आप इस चूज फाइल को क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जहां पर आप अपनी फाइल को चूज कर सकते हैं। जहां भी आपने उस फाइल को पीडीएफ बनाकर सेव किया है वहां से आप उसको चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपकी जो फाइल है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। इस बटन को क्लिक करके आप अपने जो अचल संपत्ति का पेज है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से अपनी अचल संपत्ति का विवरण अपलोड कर सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। तो यह जो फॉर्मेट है यह पीडीएफ के फॉर्म में हमको अपलोड करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पीडीएफ बनाना सीख लेते हैं कि पीडीएफ कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको कोई भी एक पीडीएफ व्यूअर डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद पीडीएफ व्यूअर को ओपन करेंगे। देन यहां से आपको एक फाइल का ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन को खोलने के बाद आप चाहें तो यहां पर कैमरा को ओपन करने पिक ले लेंगे। पिक लेने के बाद हम इस फॉर्म को सिलेक्ट कर लेंगे। देन डन का बटन को क्लिक करेंगे। देन यहां पर आपको नीचे एक विंडो दिखाई देगी जिस पे लिखा होगा कन्वर्ट टू पीडीएफ को पुश कर देंगे। देन ओके का बटन दबा देंगे। हम हमारे रिजोल्यूशन को कम ज़्यादा इससे कर सकते हैं। ओके, देन ओके का बटन दबा दें। देन हम यदि पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे।
अब हम देख रहे हैं कि हमने जो पीडीएफ बनाई है उसका जो साइज है वह 87 KB है। आप अपने कैमरे के रिजोल्यूशन को कम या ज्यादा करके इस साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइल का साइज होना चाहिए वो 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसे अब अपलोड करने की प्रोसेस देख लेते हैं।